अगर मार ही दिया जाएगा तो उनसे क्या राज खुलेगा, क्या उसे इन्वेस्टिगेशन है, क्या सर्च होगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, बताइए सर। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसको तो रखना पड़ेगा ना। जी हाँ, इनकाउंटर उसी को कहते हैं, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि योगी जी ने ही कराई? कार्रवाई ये चीज़ की है कि पुलिस के सामने मारा जा रहा है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अगर ऐसा होता, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना होता तो योगी गवर्नमेंट दोबारा सत्ता उसमें पावर में ना आती, क्योंकि यूपी के लोग जान चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है योगी गवर्नमेंट। मुस्लिमों पे ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, ऐसा देखिए मुस्लिम मुस्लिम तो कार्रवाई किस पे होगी? अगर अपराधी मुस्लिम होगा तो फिर कार्रवाई किस पे होगी? आप ही बताइए, विकास दुबे में ऐसे अनेक क्रिमिनल मारे गए लेकिन उस पे नहीं बात आई है, लेकिन अभी क्रिमिनल मारे गए तो उस पे बात क्यों आ रही है बार बार? अतीक का बेटा जब चलाते हुए कट्टा हाथ में चलाते हुए दिख रहा है और उसे वार्निंग भी दी जा रही है कि तू सिलेंडर हो जा, नहीं हो रहा, यहाँ जा रहा, दिल्ली जा रहा, कानपुर जा रहा, आनंद विहार आ रहा, झांसी जा रहा, कब तक जाएगा भाई? कानून से हाथ पलक बचा ही नहीं कोई। हम कहीं भी चले जाएं भाई, अगर हमने गलत किया है तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इस तरह के क्राइम अगर देश में होता है और उस पर कार्रवाई अगर नहीं होता है तो मर्डर के चांसेस ज्यादा बढ़ेगा, मर्डर के चांसेस क्राइम भी तो ज्यादा बढ़ेगा, देश से क्राइम भी तो हटेगा, इस तरह ये भी तो है। लेकिन मारता ही जाएगा एक दूसरे को तो फिर क्राइम क्या, क्राइम का जड़ ही खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, आपका कहना का मतलब, एक मिनट सुनिए, अगर मार ही दिया जाएगा तो उनसे क्या राज खुलेगा, क्या उसे इन्वेस्टिगेशन है, क्या सर्च होगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, बताइए सर। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसको तो रखना पड़ेगा ना। क्यों जी, इनकी बात से सही है, कह रहे हैं जिस हिसाब से कि इनकाउंटर कर दिए जाएंगे तो सच कैसे पता चलेगा, वो बात अलग है इनकी। लेकिन अगर इनकाउंटर करने के लिए कोई सारी संभावना ही ना मिले तो क्या करेगा व्यक्ति, आप ही बताइए। अगर इसका मतलब ये कैसे एस्टेब्लिश कर लिया गया फैक्ट कि योगी ने इनकाउंटर कराया, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने इनकाउंटर कराया हो, आपने कैसे, आपने इनकाउंटर तो नहीं है, ये इनकाउंटर इनकाउंटर नहीं, हाँ नहीं मर्डर, तो आप कैसे ये एस्टेब्लिश कर लेंगे कि योगी गवर्नमेंट ने कराया है? लोग यहाँ इनकाउंटर तो इनकाउंटर तो पुलिस कहती है, उसको कहते हैं इनकाउंटर। जी हाँ, इनकाउंटर उसी को कहते हैं, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि योगी जी ने ही कराया ये कोई सामने आके भाषण दिए हैं? ये मैं मानता हूँ कि किसी को ये नहीं कह सकता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, ये गलत बात है, सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन कार्रवाई ये चीज की है कि पुलिस के सामने मारा जा रहा है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा, फिर लोग कैसे जिएगा? यही यूपी के लोग तो भरोसा कर रहे थे कि लॉयर एंड बढ़िया है तो फिर पुलिस के सामने मार दी गई। पहली बार बताइए, विकास दुबे को मारा गया, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, मारा गया अपराधी, कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता अपराधी का। दूसरी बात, अभी इसमें कोई भी अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए किया गया है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना होता तो योगी गवर्नमेंट दोबारा सत्ता उसमें पावर में ना आती, क्योंकि यूपी के लोग जान चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है योगी गवर्नमेंट में। वहाँ पे तमाम लोगों ने ये कहा कि मुस्लिमों पे ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, ऐसा देखिए मुस्लिम अपराधी रहेगा, मुस्लिम तो कार्रवाई किस पे होगी? अगर अपराधी मुस्लिम होगा तो फिर कार्रवाई किस पे होगी? बहुत सारे, 1 मिनट, मैं आपको बनारस में देखिए, बनारस मोदी का आधी तो और नहीं, मैं बता रहा हूँ, बनारस में मोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोदी का बनारस, वहाँ पे अभी 6-7 महीने पहले 3-3 लाख के अपराधी मारे गए, ढेर कर दिए गए, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। मनीष, आप 5-6 अपराधी मारे गए लोहता में, आप ही बताइए, विकास दुबे में ऐसे अनेक क्रिमिनल मारे गए लेकिन उस पे नहीं बात आई है, लेकिन अभी क्रिमिनल मारे गए तो उस पे बात क्यों आ रही है बार बार? जबकि उसमें होता है, एस्टैब्लिश होता था कि कुछ फैक्ट, लेकिन जो अब उनके अतीक अहमद के बेटे के जो वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वहाँ लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। देखिए, क्राइम जो करता है उसकी लिस्ट बनती है, उस पर कार्रवाई होती है, अच्छी बात है, आई एम सपोर्ट क्राइम अगेन क्राइम, लेकिन जो लोग जो है कानून पर से भरोसा करना बंद कर दिया है, लोग खुद से ही फैसला लेना शुरू कर दिया है, और जब खुद से ही एक दूसरे से दुश्मनी निकालते रहेंगे तो कोर्ट पुलिस, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट पुलिस जज क्या, ठीक है, कोर्ट पुलिस, देखिए गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसकी डिफेंड करना, हर विक्टिम जो भी अक्यूज्ड है, तो उसको साबरमती से लाया जा लिया जाता, लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने किसी ने अगर उसको उस पर अटैक कर दिया, उसका 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 कंपटीटर उसका हो, राइवल हो कोई, उसने अटैक कर दिया उसके,
उसकी बेनिफिट लेने के लिए बदनाम करने योगी गवर्नमेंट को, ये भी तो हो सकता है। तो योगी अगर साबरमती, योगी का कोई योगी कोई गलत काम नहीं कर रहा, गलत काम नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अतीक का बेटा जब चलाते हुए कट्टा हाथ में चलाते हुए दिख रहा है और उसे वार्निंग भी दी जा रही है कि तू सिलेंडर हो जा, नहीं हो रहा, यहाँ जा रहा, दिल्ली जा रहा, कानपुर जा रहा, आनंद विहार आ रहा, झांसी जा रहा, कब तक जाएगा भाई? कानून से आज तक बचा ही नहीं कोई। हम कहीं भी चले जाएं भाई, अगर हमने गलत किया है तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। साहिस्ता परवीन, सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों क्यों मतलब वो इस मतलब इलोप्ड है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर उनको विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन पे, हाई कोर्ट में, तो अपना जाइए सरेंडर करिए, आप आइए डिफेंड करिए। अच्छा, प्रश्न यही है कि जो चीजें कल रात हुई विचलित करने वाली थी, यस ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ये बताइए कि कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया, ऐसे कैसे हो? देखिए, मैं अगर यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन, कोई निकाल के पिस्टल मार दिया तो आप बोलेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है? तो सरकार और प्रशासन में प्रश्न उठता है? नहीं, उठता है, लेकिन अगर यहीं पे भीड़ में मार दिए किसी, अभी आके मार दे, तो आपको लगता नहीं है कि ये आप नहीं कह सकते कि नहीं? अरे चीजें होती है, अगर अगर देखिए, अगर चोरी करने वाला अगर चाहेगा मैं चोरी करूंगा, तो आप चप्पे चप्पे पुलिस लगा लो, चोरी करके जाएगा पुलिस के सामने, गनमैन के सामने, एसटीएफ जवान के सामने, फोर्स के सामने गोली मारा गया।